Hi guys, welcome to Unacademy Neat. I hope I am clearly audible and perfectly visible. इसी के साथ साथ आज हम लोग जो है आपका कल हमने ऑलरेडी देखो यार स्टार्ट कर दिया था क्लोज पैकिंग इन 3D डी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कैसे वहां से आपके पास एस सी सी बी सी सी एच और एफ सी निकल कर आता है और साथ ही साथ उनका यानि कि अभी तक हम सब इसी तरीके से पढ़ते आए कॉर्नर्स के साथ साथ प्रेजेंट होता है बट एक्चुअली इन टूडेज क्लास आई विल डिस्कस विद यू की कैसे ये सब कुछ यहाँ पर ये यह जो हम थ्री डी अरेजमेंट पढ़ेंगे ना यार ये सब कुछ उधर से ही निकल कर आता है और कॉर्डिनेशन नंबर और आपका पैकिंग एफिस पूरा हम विजुअलाइज करेंगे कैसे कैसे हमारे पास ये थ्री पैकिंग होती है एंड आफ्टर दैट हमारा स्पेशल क्लास तो है ही थ्री जिसका लिंक आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख ही रहा है राइट तो uh, आज जो है आपका लेक्चर सिक्स है एंड मोस्ट बाय लेक्चर एट आई मीन बाय दिस वीक बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल फिनिश आपका पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट फ्राइडे तक आपकी क्लासेस होंगी और पूरा सॉलिड स्टेट फिनिश हो जाएगा ठीक और इसी के साथ साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो आपका ऑलरेडी रनिंग है कल ही मैंने स्पेशल क्लास में स्टार्ट किया है हाउ कल की क्लास एकदम इंट्रोडक्ट्री uh, क्लास थी जहां पर हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आ, इसके आने से पहले क्या क्या था कल मैंने थोड़ा सा ट्रिक सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं एटॉमिक नंबर्स को आप पूरे पीरियोडिक टेबल का कैसे ध्यान रख सकते हैं तो वो छोटे छोटे ट्रिक्स हमने डिस्कस किए बट एक्चुअली आपका ये जो यूनिट है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा सो डू नॉट मिस टू फॉलो माई प्रोफाइल विच इज द लिंक फॉर विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि वहां से आप मेरी क्लासेस तक भी पहुंच जाएंगे ऑल यू हैव टू डू इज

एक्सटेंशन मिलता है बोथ विद प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सिक्स मंथ के लिए और बाकी अगर हम एटीन और ट्वेंटी फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो देखो टू मंथ और थ्री मंथ रिस्पेक्टिवली आपको फ्री मिल रहा है ऑन दी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी हमें अन अकेडमी ब्रांडेड नोट्स मिल रहा है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है अदरवाइज पहले आपको वन ईयर या टू ईयर के साथ मिलता था सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू आर अ ट्वेंटी टू एस्पिरेंट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्योंकि अभी आप वो पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं

और मैं देख भी लेती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है वॉइस वगैरह आपको एकदम क्लियर आ रही है है ना थोड़ा जोश दिखाइए कि यस मैम वी वी ऑल ऑल सेट सेट आर टू रॉक सॉलिड सॉलिड स्टेट स्टेट लेक्चर नंबर है ना और आज यार, आज यार आएगा फील वाला जो वो फील है ना वो आज आपको आएगा क्योंकि यहां पर मैं आपके साथ एस सी आज आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर्स आते कि दर से हैं ऐसा बात हवा में नहीं हो गया कि यार कॉर्नर पे है तो ओके बोल दिया और ऐसा है तो वैसा बोल दिया है ना

पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर ये वाले केस में क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है पैकिंग कितनी बढ़िया तरीके से हुई है मतलब कितनी स्पेस थी उसमें से आपने कितनी ऑक्यूपाई कर ली है जितनी ज्यादा स्पेस आपने ऑक्यूपाई कर ली होगी अपने पैकिंग के थ्रू उतनी परफेक्ट आपकी पैकिंग हुई है यानी कि उतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है और उतना ज्यादा आपका सॉलिड क्या बनेगा मोर क्रिस्टलाइन बनेगा जिसकी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी तो यहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखो यार इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स मतलब कि आपके एटम्स ने पूरा का पूरा स्पेस कितना ऑक्यूपाइड किया है डिवाइडेड बाय द टोटल स्पेस अवेलेबल कितना है इनटू 100 अब ये ये जो स्पेस होता है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखो अरेंजमेंट कौन सा है मतलब स्पेस की बात अगर करते हैं तो यार ये डिपेंड करता है आप टू डी का सिस्टम पढ़ रहे हो या आप थ्री डी का सिस्टम पढ़ रहे टू डी में हमारा आटम हमेशा सर्कल कंसिडर किया जाता है इसीलिए सर्कल का तो एरिया होता है, है ना सर्कल के तो हम एरिया की बात करेंगे 2D है वहां स्पेस क्या होगा द एरिया एंड इफ वी टॉक अबाउट अ सिस्टम वहां पर आपका जो क्यूब uh, है आई I मीन mean, जो आपका एटम है उसको हम स्पेयर कंसिडर करते हैं और स्पेयर का हम क्या लेते हैं वॉल्यूम लेते हैं और यहाँ पर सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वे और आपका वॉल्यूम कितना रहता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब बोला जी इतनी बात आप भूल तो नहीं गए और क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई इट विद है तभी तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में आता है बोलो यार इतनी बात तुम सब लोगों को ध्यान है है ना अभी देखिए हम लोगों ने जब आपका 2D अरेंजमेंट पढ़ा था अगर आप लोगों को ध्यान है तो हमने जब 2D अरेंजमेंट आपका पढ़ा था वो 1D से आया था और 2D में ऑल इन ऑल हमारे पास दो टाइप का अरेंजमेंट आता है एक जिसको आप ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं या फिर उसी को आप एस सी पी क्लोज पैकिंग भी बोल देते हो और second हमारे पास आया था दी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट जिसको हम एच सी पी टाइप भी बोलते हैं देखो यार ये तो सिंपल ही था है ना सब लोग को ध्यान होगा क्या था यहाँ पर एटम एटम के एडजस्टमेंट एटम है एटम के एडजस्टेंट एटम है और यहाँ पर आपके पास एटम के जस्ट नीचे एटम है ठीक है एटम के नीचे एटम एटम के बाजू में एटम व्हाट अबाउट केस यहाँ पर आपके पास क्या होता है आपके पास इस तरीके से है एटम के साइड में एटम एंड दो एटम्स के डिप्रेशन में यू हैव योर एटम ठीक है दो एटम्स के डिप्रेशन में एटम अब यार ये कौन है टू है अब टू में आपकी दो एक्सेस आती हैं एक्स और वाई अब इसी में मैं एक और एक्सेस लेकर आ जाऊंगी दैट मींस मेरा जेड एक्सेस तो मेरे पास थ्री सिस्टम आ जाएगा है ना तो थ्री के लिए मेरे को टू यूज करना पड़ेगा कोई भी हायर डायमेंशन अपने पहले वाले डायमेंशन से आती है अपने से पढ़ना है ये हम दो तरीके से बनाएंगे। एक बारी हम टू का ए टाइप अरेंजमेंट यूज करेंगे और फिर इसमें Z एक्सिस कर ऐड कर देखेंगे और उसको 3D बना देंगे और एक बारी हम 2D का ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट यूज करेंगे और उसको 3D बना देंगे रेडी उसके लिए अब इधर आते सबसे पहले हम क्या करने वाले हम थ्री बनाने के लिए ए टाइप ऑफ पैकिंग जो हमने 2D में पढ़ा है यानी कि जिसको आपने स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहा है उसको यूज करने जा रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा ही होता है बोलो यार ऐसा ही तो होता है कह yes, दो यस मैम कह दो कह दो कह दो ऐसा ही तो होता है क्या एटम के साइड में आटम और एटम के नीचे आटम और यहां पर ये टू डी अरेजमेंट है आपके पास दो ही एक्सिस यूज हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है अब यार ये आपकी एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलिसम इस इस आएगा तो यार आटम देखेगा कि आओगे आप किसी रूम में आते हो तो आप चेक करते हो किधर बैठ सकता हूं मैं ठीक तो क्या पॉसिबिलिटी इधर कि आने वाला आटम जो है वो या तो सीधा आटम के ऊपर ही आ जाए आटम के ऊपर आटम ले लो भाई

कौन सा वर्ड है यार ये कह दो जल्दी कह दो मुझे भी खुशी हो जाएगी अगर तुम राइट राइट बता दोगे तो अरे मैम फिर तो हम पक्का ही बता देंगे देखो बता दिया हर्ष याश सुमान नैना तुम्हारी पिटाई होगी <laughs> तुमने बताया टेट्राइड्रल यार टेट्राइड्रल थ्री का वर्ड होता है अभी हम ये टू सिस्टम पढ़ रहे हैं टू से थ्री बनाएंगे पर आने तो दो आने तो दो यार ठीक है टेट्राइड्रल वालों की तो स्पेशल पिटाई होनी चाहिए

और देखो और कोई तरीका बनता है क्या और कोई तरीका बनता है सामने से आने वाला आइटम उसने एक तरीका क्या ढूंढा कि यार मैं तो आटम के ऊपर ही बैठ जाता हूं तो बैठ गया वो के के ऊपर 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 ये वाइट वाला वही रिप्रेजेंट कर रहा है है कि एक वाली लेयर फिर यहां पर वो क्या सोच सकता है कि यार चलो मैं क्या करता हूं ये स्क्वायर प्लेनर बॉल्ड पर बैठ जाता हूं और कोई तरीका बचता है हां बचता है अभी भी देखो ये जो तीन ये जो चार आटम है चारों आटम ले लो यार तुम ये जो ग्रीन वाले चार आटम है ना इनके ऊपर क्या बोलते हैं मैं एक और लेयर बनाना चाह रही हूँ और मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं, नहीं मैं इसमें बैठ जाऊं ये देखो यहाँ पर बैठ जाएगा आपका आइटम यहाँ पे भी तो बैठ सकता है यार ऐसे ग्रीन आइटम के स्क्वायर प्लेनर वॉइड में लेकिन जब वो बैठेगा तो क्या पता चलेगा उसको पता चलेगा यहाँ पर ये जो रेड वाला आइटम है

क्षा सही है अब दूसरी वाली जो आपकी लेयर है ये वाली जो आपकी लेयर है वाइट एटम्स की यार इसको भी ए बोलना पड़ेगा बिल्कुल सेम है देखो नीचे वाली लेयर जैसी तो व्हाइट वाली ऊपर की लेयर हो जाएगी उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है जैसा लेयर नीचे है कैसा है एटम के साइड में एटम एटम के नीचे एटम ऊपर भी जो आप व्हाइट वाले आटम्स की लेयर बना रहे हो वो भी तो लेयर ऐसी है एटम के साइड में नाम क्या आएगा ए टाइप अरेंजमेंट आएगा क्या आएगा ये ए ए टाइप. अभी लेकिन ये वाला जो आपका ए टाइप अरेंजमेंट आया है ये थ्री डी में आया है पहले भी आपके पास एक ए टाइप अरेंजमेंट आया था अरे यार तुम वो type arrangement 2D वाला यूज कर तो ये बनाया तुमने लेकिन अब ये जो आपके पास type arrangement आया है यार थ्री डी का है 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 बोलो जी इतनी बात क्लियर है क्या है ना सेट, तो फिर आगे बढ़ ये देखो यार अब इधर भी आपने ब्लू वाले एटम्स की लेयर को तो यार ए ही कहा था तो उसको ए ही रहने देते हैं अब व्हाट अबाउट दिस ग्रीन एटम्स ये जो आपके ग्रीन एटम की लेयर है ये आप जो देखो ग्रीन एटम्स की लेयर है क्या ये ब्लू आइटम के ऊपर आ रहा है नहीं ये तो अलग है ब्लू आटम के 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 ऊपर 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 नहीं। मतलब कि जो जो ये ब्लू आटम्स की लेयर थी, उसके हमने एक लेयर बनाई है, जो उनके ब्लू आटम्स के प्लेनर के आटम्स रखे हुए हैं। तो ये वाली लेयर तो अलग है तो आपको इसको क्या कहना पड़ेगा बी लेयर कहना पड़ेगा क्या कहेंगे आप इसको बी लेयर कहना पड़ेगा आपको वॉट अबाउट दिस अदर लेयर ये जो आपको रेड एटम्स की लेयर दिख रही है मतलब हमने ट्राई किया कि अच्छा ठीक है ये जो ग्रीन आटम्स का स्क्वायर प्लेनर बना है उसके ऊपर को रखते हैं हमने ट्राई किया एक सी लेयर बनाने का लेकिन बाद में हमें क्या दिख रहा है कि यार ये थर्ड लेयर का तो लेयर का तो बिल्कुल के के ऊपर ही आ रहा है मतलब हम बनाने तो जा रहे हैं थर्ड लेयर पर वो तो एज इट इज फर्स्ट लेयर जैसा बन रहा है तो इसका मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड लेयर क्योंकि सेम आ रहा है तो आप इसको भी क्या कहोगे यही कहोगे तो यहां पर मेरे पास ये अरेंजमेंट कैसा निकल कर आया

तो आपके पास दो तरीके का अरेंजमेंट निकल कर आया है एक तो आपका ए ए टाइप कहला रहा है और दूसरा आपका क्या है ए बी ए बी टाइप है अब आपको असली मजा आएगा क्योंकि ये जो हमारे पास होता है ना भाई क्या बोलते हैं ए ए का थ्री डी टाइप पता है इसी को क्या कहते हैं इसी को हम एस सीसी कहते हैं इसी को हम एस सीसी कहते हैं और ये जो आपके पास ए बी ए बी का थ्री डी टाइप आया है इसी को आप क्या कहते हो बीसी कहते हो इफ आई अभी तक ये किया है कि आपके पास टू डी में हमारे पास दो अरेंजमेंट्स आए टू डी में कौन कौन सा एस सी सी का सॉरी एस सी पी ठीक है जो आप बोल रहे हो ए टाइप है और आपके पास आया एच सी पी टू डी जो आप बोलते हो कि ए बी ए बी टाइप का है ठीक है उसके बाद जब आप इसको यूज कर रहे हो बेस थ्री बनाने के लिए तो थ्री में यहां से आपके पास दो टाइप के अरेंजमेंट निकल कर आए एक आपका ए टाइप है और दूसरा आपका ए बी ए बी टाइप है राइट और आप ये ए टाइप वाले को क्या कह रहे हो एस कह रहे हो और आप इस वाले को क्या कह रहे हो आप इसको बीसीसी कह रहे हो बोलो इतनी बात सबको क्लियर है क्या है ना इतनी बात सबको क्लियर अभी यहाँ पर आपको एक्सैक्टली exactly यही समझाया गया है ये ए कहा गया और येलो आइटम्स की लेयर को बी लेयर कहा गया बोलो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, है ना और अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन रह जाती है तो आप लोग मुझसे स्पेशल क्लास में अफकोर्स पूछ सकते हो स्पेशल क्लास अभी होगा तीन बजे जिधर मैं ये वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी तो देखो यहां से हमारे पास ये दो टाइप के अरेंजमेंट आ गया इसको हम बोलते हैं एस और ये वाला जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है बीसी अब आप लोग रेडी हो इसको एकदम डिटेल में पढ़ने के लिए यानी कि एस अलग और बी अलग और तुम्हारे मन में यार ये नहीं आ रहा ऐसे कैसे एस सी कह दिया मैं तो नहीं मानता यार मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है मैम इसको ऐसे माने में हम नहीं मान सकते है ना तुम में से कौन कौन है जिसको ऐसा लग रहा है यार मैं तो नहीं मानता क्यों कहा में इसको एस सी है ना क्यों कहे भाई देखो क्या करते हैं हम यहां पर आपके पास इसी वाले अरेंजमेंट को देखिए जरा ये जो आपका अरेंजमेंट है इसको ध्यान से देखिए और मैं यहां पर एक क्यूब बना रही हूं है ना ट्राई करते हैं एक सुंदर सा क्यूब बनाने का लो बन गया ये हमारा एक क्यूब है बना दिया अब देखो मैं क्या करने वाली हूं यहां पर आपके पास ये जो ब्लू वाले आटम्स है ना अभी केवल इस अरेंजमेंट को देखो मैं अभी तुम्हें सिर्फ एस समझा रही हूं मैंने ए टाइप अरेंजमेंट को क्या कहा है एस सी का है तो अभी आप सिर्फ इसको देखिए यहां पर ये जो मेरे नीचे ब्लू वाले एटम्स है ना यार ये जो ब्लू वाले एटम्स है ये चारों आइटम को अगर मैं उठाकर इधर रख देती हूं यहां पर ये क्यूब के कॉर्नर्स पर ये एक ब्लू आटम इधर एक ब्लू आटम इधर एक ब्लू आटम इधर और एक ब्लू आटम इधर देखो मैंने क्या किया ये जो आपके चारों ब्लू आटम्स हैं ये जो नीचे वाली लेयर है ना ब्लू आटम्स की ये जो चारों आपके पास ब्लू आटम्स हैं इनको हमने उठाकर क्यूब के नीचे वाले कॉर्नर्स पर रख दिया क्या किया हमने क्यूब के नीचे वाले कॉर्नर्स पर रख दिया है एंड तो इधर से निकाल लिया अभी तरीके से आप उनको भी क्यूब के कहा रख दीजिए कॉर्नर पर रख दीजिए देखो यार इसको एस सी सी कहते हैं क्या इसी को तो कहते हैं एस सी सी जब आपके पास एट के एट कॉर्नर पर आइटम्स हो जाए कौन सा सिस्टम होता है एस सी सी तो इसका मतलब जब आपके पास 3D में एए टाइप अरेंजमेंट आता है वो एसएससी ही होता है देख लिया आपने ये चार नीचे वाले एटम्स को नीचे के कॉर्नर पर रखा ये ऊपर वाले जो व्हाइट एटम्स है उनको ऊपर वाले क्यूब के कॉर्नर पर रखा और टोटल आपके पास 8 एट एटम्स हो गए ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब इजंट इट और यही तो आपका एसएससी होता है एसएससी में हम यही तो करते हैं बोलो यार है ना ठीक है अब यहां पर ये जो आपने एस अरेंजमेंट पढ़ा है इसी के हम सारे के सारे रिलेशंस डिस्कस करेंगे यानी कि सबसे पहले द पोजीशन ऑफ एटम उसके बाद एटम्स कितने प्रेजेंट है पर यूनिट सेल बोलो तो यार एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं जेड वैल्यू और मेरे को पता है तुम सबको पता है अभी भी आप इधर लिख सकते हो व्हाट इज द जेड वैल्यू फॉर एससीसी लिख दो जल्दी उसके बाद एआर का रिलेशन देन पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज ही के क्लास में ठीक है देखो अब ये जो आपकी सॉलिड स्टेट की ये वाली क्लास है और जो अपकमिंग क्लास है वही मेन पार्ट है सॉलिड स्टेट का और एक तरीके से ये थोड़ा सा मतलब मेरे को तो मोस्ट इंटरेस्टिंग वाला लगता है आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हो कि थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा टफ पार्ट जिसको कह सकते हैं वो है तो ये बस दो क्लासेस की बात है और उसके बाद देखो सॉलिड स्टेट में हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम आपका आ,

फिर उसके बाद जब हम जेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं देखो यार एट कॉर्नर्स पर है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाय है तो आपके पास एट इंटू वन बाईट विच इज इक्वल टू वन है ना ऐसा हो जाता है अब अगर आप ए आर का रिलेशन देखते हो तो ए आर के रिलेशन के लिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हमेशा वो वाला जगह ढूंढिए जहां पर आइटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं और आपने पहले जब मैंने आपको एस सी सी जैसे इंट्रोड्यूस ही किया था मैंने आपको बताया था कि एस सी सी के केस में आइटम्स टच ईच अदर अलॉन्ग दी एजेस मैंने आपको बताया था कि नहीं प्रिमिटिव यूनिट सेल जब हम पढ़ रहे थे ये वही तो है कि एजिस के अलोंग अभी तो हम एटम्स को ऐसा पॉइंट फॉर्म में दिखा जरूर रहे हैं लेकिन एटम्स एक्चुअली आपके अलोंग ये जो आपकी एज होगी इसके अलोंग एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं तो यहां से आपके पास क्या आ सकता है देखो यार आपको पता है कि यहां पर आपके पास ये जो आपका डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक का है ना ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा ए कहलाएगा अब इसी के अंदर आपके पास यहां से लेकर यहां तक ओए होए यार इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं तो दैट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए ये लो बना दो यार तुम भी बना लो मेरे साथ एक क्यूब हम तो मैम बना ही लेंगे तुम बनाते हो वैसे यार कि नहीं बनाते आप लोग भी ऐसा ड्राइंग-वरांग करते हो मेरे साथ कि बस मैम से ही करवाते हो बता रहे एक बारी देखो यहां पर आपके पास रखा हुआ आटम इस तरीके से तो यार ऐसे समझ लो बस ऐसे आटम्स रखे हुए हैं अब आप क्या कहोगे कि आपके पास ये जो पूरा एज होता है ये क्यूब का वो तो कितना है ए है उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये मेरा इस वाले स्पेयर का रेडियस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इस वाले स्पेयर का रेडियस है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि आर है कि नहीं बोलो यार आप यहाँ से इज इक्वल टू टू आर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो नीतीश ने भी लिखा है एज इक्वल टू टू आर तो यार ये तो बड़ा इजी हो गया आपके पास यहाँ पर जो, जो रिलेशन निकल कर आया है आ, एज

टोटल पूरा क्यूब का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ़ द क्यूब देखें यार तुम इंटेलिजेंट बताना रहे मैं तो नहीं कर रही अमृता पूछे मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन प्लीज 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 नहीं कर रहे ये पता है कब हुआ था वन बाय मैंने एक्सप्लेन किया था आई थिंक इन दिस सेकंड क्लास या शायद फर्स्ट में ही कर दिया भाई आप पहले वो वाली क्लास जाकर देखो क्योंकि मैं कर भी दूंगी तो तुम्हें तो, तो पता ही नहीं चलेंगी ठीक है तो दिस इज नॉट द वे आपको ए, देखो एडमिशन आप लेते हो स्कूल में तो आपको सीधा 12th क्लास में डालते हैं? नहीं आप पहले फर्स्ट में होते हो फिर सेकंड में होते हो या तो मैं ऐसे कहते हैं आप फर्स्ट सेकंड के क्लास की तो कोई वैल्यू नहीं होती फर्स्ट सेकंड का रिजल्ट कौन पूछता है मैं तो जो है ना कुछ छटकी करूंगा और सीधा ट्वेल्थ का ही एग्जाम दूंगा बताओ यार फिर तुम्हारा ट्वेल्थ में एडमिशन होता है क्या सीधा नहीं

ये देखो इधर क्या सीन है टोटल स्पेस अवेलेबल स्पेस अवेलेबल मतलब क्यूब का और तुम तो हो बड़ी अमेजिंग बच्चे एकदम एक बात लिखी है लेकिन एक क्यूब से कोई फायदा है क्या नहीं कोई फायदा तो नहीं है मैम तो हटा दो फिर इसको एक ही जगह हम क्या लिखने वाले हैं इधर एक ही जगह आप लोग क्या लिखोगे फोर अपॉन थ्री देखो क्या आएगा आपके पास फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब इन टू हंड्रेड और ए की जगह आप क्या लिख दोगे टू आर का उट ये आर क्यूब तो तो से आर क्यूब I mean गया और आपके पास जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आता है फिफ्टी टू पॉइंट फोर हाउ मच इट इज फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट इतनी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है और बस वी आर डन विद एसएससी एसएससी के बारे में सब कुछ तो पता चल गया तुम्हें अब क्या चाहते हो है ना देखो एसएससी के बारे में आपको पता चल गया कि यार आपको क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ एटम एट कॉर्नर्स पर होता है कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8 होता है दैट इज हाउ 8 1/8 1 हालांकि मुझे यहां पर सीधा 1 लिख देना चाहिए था सबको पता था

एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बोलो बोलो अच्छा एक बात बताओ इधर से ये जो आपको एटम्स दिख रहे हैं इधर आपको एट एटम्स दिख रहे होंगे है ना देखो यार तुम्हें तो इधर टोटल एट एटम्स दिख रहे होंगे एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला आई मीन दिस इज और यहां पर भी एक एटम है तो बताओ यार कौन सा एटम चूज करूं हाँ वेरी गुड बी सिक्स कौन सा चूज होगा कोई सा भी कर लो यार मैंने आपको कहा था आइटम वो वाला चूज करिए जिसका एनवाइ मैक्सिमम ऑक्यूपाइड है अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन यहाँ तो मेरे को सारे ही आइटम एक जैसे दिख रहे हैं कोई भी अलग तो है ही नहीं आउट no वाला सीन इदर, है ना सारे के सारे के तो यार किसी को भी पकड़ लो Let's say, मैं ये वाला आपका कंसिडर करती हूँ अब हम चेक करते हैं कि ये ये वाला आटम्स कितने आटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है तो देखो यार एक तो ये, इसको टच कर रहा है। ये वाला आइटम को है ना एक तो ये इसको डायरेक्टली टच कर रहा है इसी के साथ साथ यहां पर इसी के बाजू में एक यूनिट सेल रखा होगा जिसके कॉर्नर पर रखे हुए एटम को वो वापस से डायरेक्टली टच करेगा तो दो एटम हो गए अरे यार ये यूनिट सेल अकेला दुनिया में नहीं है ऐसा कभी होता है क्या यूनिट सेल के साइड में सेल 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 है से है नीचे से है ऊपर यूनिट यूनिट नीचे वो तो हम एक को स्टडी कर रहे हैं पर अगर हमें आटम को देखना है कि वो कितने दूसरे आटम को टच कर रहा है तो फिर तो आपको आजू बाजू सब कुछ देखना पड़ेगा कि नहीं तो यहाँ पर इस यूनिट सेल के साइड में भी एक यूनिट सेल है इसके ऊपर भी है इसके नीचे भी है और इधर भी है ठीक है अब तो देखो यहां पर जैसे ये इस यूनिट सेल में इस एटम को टच कर रहा है सेम एक्सिस में ये इधर भी करेगा इसी के साथ साथ आपके पास जो है यहां पर ये अगर इधर इस इस वाले एटम को टच कर रहा है तो यार ऐसे ऊपर रखे हुए यूनिट सेल के एटम को भी टच करेगा तो टोटल कितना हो गया दो इधर दो इधर चार और इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ यहां देखो ये वाले एटम को टच कर रहा है और फिर यहां ऐसे ही पीछे एक आटम रखा हुआ होगा दूसरे यूनिट सेल के उसको भी ये टच करेगा तो ऑल ऑल इन टोटल ये कितने आटम्स को टच कर रहा है टोटल यू हैव सिक्स आटम जिसको आपका ये जो सेंटर में रखा हुआ टोटल सिक्स एटम्स को टच कर रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दैट इज हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कम्स आउट टू बी सिक्स ठीक है कह दो कि नाम क्लियर है बोले यार थोड़ा जोश दिखा थोड़ी एनर्जी मतलब लगना चाहिए कि देखो कैसे इतने जोश के साथ बच्चे आते हैं मतलब कितनी एनर्जी के साथ है ना अरे यार कितना दिखाए मैम जोश दिखा तो रहे हैं अब क्या हम मतलब अपने घर में खड़े होके डांस करने लगे हमारे घर वाले कहेंगे कि मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो है ना तो जिक्स आएगा आपका इधर कोआर्डिनेशन नंबर तो जी हो गया उसके बाद टाइप ऑफ वर्ड यार ये तो प्लीज बता दो प्लीज बता दो टाइप ऑफ वर्ड कौन सा आएगा जल्दी से बता दो वॉट टाइप ऑफ वर्ड यू हैव हैवर हमें तो पता नहीं अरे इधर क्यूबिकल वर्ड आएगा ये देखो क्यूबिकल वर्ड आएगा क्यूबिकल वर्ड याद करिए एक लास्ट टाइप का वर्ड मैंने आपको समझाया था यहां पर आपके पास अरेंजमेंट कैसा है एटम एटम के साइड में एटम एटम के नीचे एटम दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी हैव अब फिर आपने क्या किया आटम के ऊपर आटम आटम के ऊपर आटम आटम के ऊपर आटम के ऊपर राइट है जी अब आप क्या करो कि यहां पर ये जो आपके ब्लू आइटम्स हैं इनके सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए ब्लू आइटम्स के सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और सिमिलरली जो आपके रेड आइटम्स हैं इनके भी सेंटर को मिला दो यार यहां पर आपके पास ये रेड आइटम दिख रहे हैं पीछे की नहीं इनके भी भाई तुम सेंटर को मिला दो ये लो जी मिला दिया है ना मिला दिया अब इसमें इनकी एजेस को अगर आप मिला दोगे मिला दो जी मिला दिया मैम देखो कुछ क्यूब टाइप का बनकर बनता हुआ दिख रहा है मतलब अगर मैं थोड़ा और ब्यूटीफुल से इसको बना देती तो एक बहुत प्यारा क्यूब दिखता आपको इधर बट क्या ये क्यूब नहीं दिख रहा है क्योंकि इस वर्ड की शेप क्यूब जैसी आ रही है इसीलिए इसको क्यूबिकल वर्ड बोलते हैं यही तो अरेंजमेंट था आपका एस का बोलो यार यही वाला अरेंजमेंट तो यूज किया आपने एस के लिए तो यहाँ पर दैट इज हाउ ये आपका कौन सा वर्ड बनाता है क्यूबिकल वॉइड बनाता है और इसी बात पे मेरे को बताएंगे कि क्या आप सभी ने सेशन को एकदम बढ़िया तरीके से लाइक किया है और कल भी मैंने कॉमेंट्स रीड किया एंड आई वॉज रियली कि आप लोग समझ पा रहे हैं और हमेशा जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप आई मीन बिफोर दी क्लास आई ऑलवेज गो बाय द प्रीवियस सेशन का कॉमेंट्स या फिर जैसा भी आप रिस्पॉन्स देते हैं सो दैट फॉर द नेक्स्ट क्लास आई कैन बी रेडी और मैं समझ पाऊँ कि ओके दिस इज वॉट यू वॉन्ट आपको कैसा लग रहा है ठीक है तो वो भी एक जरिया है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो उधर भी ठीक है हिंदी कॉमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन यू कैन ड्रॉप योर यूर कॉमेंट इसी के साथ साथ नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बीसीसी देखो यार बीसीसी मैंने इसको कहा था बाय द वे अगर आपको ध्यान है इसको हम बीसीसी बोलते हैं इस वाले अरेंजमेंट को ये वाला जो आपका अरेंजमेंट इधर है पता है क्या सीन है अगर मैं इसके ऊपर देखो थर्ड लेयर और बना दू कौन से कलर से बनाए बता रहे यार ये कलर का बड़ा चक्कर मेरे को समझ में नहीं आता um, चलो तो यहाँ पर अगर हम आपकी थर्ड लेयर बनाते हैं मतलब कि मतलब कि क्या देखो अगर हम लोग यहाँ पर ये यह जो आपके आ, क्या बोलते हैं सी ये जो अरेंजमेंट है इतना छोटो सा अरेंजमेंट नहीं है ये अरेंजमेंट तो मैंने आपको तो सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि देखो एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जब ये वाला अरेंजमेंट हो रहा होगा तो पूरे यूनिट सेल में ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे येलो आइटम्स रखे होंगे और भी ऐसे ही बहुत सारे येलो आइम्स इधर होंगे इधर भी हर एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड के ऊपर येलो आइटम्स रखे हुए होंगे फिर उसके ऊपर एक थर्ड लेयर बनेगी और थर्ड लेयर कहा बनती है यहां ये जो येलो आइटम्स है उनके स्क्वायर प्लेनर वॉल्ड पर आप एटम्स को रखते हो ऐसे इधर कहां बनेगी

तो यहां पर आप देखो मैं इसमें से अगर केवल इतना पार्ट बाहर निकाल लू अभी जो मैं हाईलाइट करने वाली हूं ना यार देखो ये वाला पार्ट अगर आपके अरेंजमेंट में से मैं बाहर निकाल लेती हूँ इतना जो आपका पार्ट है ना द वन विच आय हाईलाइटेड इसको मैं बाहर निकालकर अगर लिख दू जैसे यहां पर मैंने इतना पार्ट को बाहर निकाला था और अपने क्यूब में आइटम्स को लिख दिया था राइट अब इसमें से ये जो अरेंजमेंट है इसमें से भी अगर मैं इतना पार्ट बाहर निकालती हूँ तो देखो मेरे पास क्या सीन है ऐसा है कुछ कि आपके पास ऐसे ब्लू आइटम्स थे आइटम के साइड में आइटम आइटम के नीचे आइटम इस तरीके से फिर यहाँ पर कहीं आपने इनके वॉइड पर ये येलो आइटम रखा और फिर आपने थर्ड लेयर बनाई और थर्ड लेयर का आइटम एग्जैक्टली देखो यार वैसे तो आपका जो थर्ड लेयर का आइटम है उसका साइज और फर्स्ट लेयर के आइटम का साइज सेम टू सेम है पर अगर मैं ऐसा इधर बना दूंगी तो मैं तो दिखेगा ही नहीं रेड आटम अभी मैंने आपके लिए थोड़ा छोटा बनाया बोलो यार ये बात तुम्हें समझ में कुछ 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 नहीं पूरी पूरी आई कि नहीं आई मेरे को बता दो ये तो आपको क्लियर होगा अब इसके बाद ये आटम्स को आपको उठाकर किधर रखना है क्यूब में उठाकर कर रखना है देखो इधर से ये आटम को हम लोग किधर उठा कर रखेंगे क्यूब में रखेंगे भाई इधर देखो आपके पास किधर है गिरा क्यूब बना दे एक बना दो मैम किस किस को क्यूब बनाना नहीं आता है किस किस को नहीं आता वैसे क्यूब बनाना अरे क्यूब बनाने में क्या मैम बहुत मेहनत लगती है क्यूब तो हम आपसे भी सुंदर बनाते हैं है ना आप देखना कभी हमारे नोट्स इतना ब्यूटीफुल क्यूब बनाते हैं हम कि बस आप फुल इंप्रेस हो जाओगी

भाई ये जो रेड वाला आइटम्स है इनको डाकर ऊपर वाले क्यूब के ऊपर वाले फेस पर रख दीजिए तो आपके पास यहाँ पर ये वाले चार कॉर्नर पर रख दीजिए सही है ये वाले चार कॉर्नर पर अब भी भी आपके पास एक एटम बचा हुआ है तो बीच में क्यूट सा येलो वाला आइटम उसको किधर रखोगे सेंटर में इन दोनों के बीच में आएगा बॉडी सेंटर में तो इसी को तो आप बीसीसी कहते हो बीसीसी में यही तो होता है कि आइटम्स किधर किधर होता है आपका एट कॉर्नर पर एंड अलोंग विद दैट आपका एक आईटम किधर रहता है बॉडी सेंटर पर देखो बिल्कुल सेम अरेंजमेंट से निकल कर आता है देखो, मैंने यहां से ये वाले को अरेंज कर आपको एस दिखाया और यहां से ये वाले आइटम्स को अरेंज कर आपको बीसीसी दिखाया इधर ही देख लो ये आपका बीसीसी अब समझ में एस सी और बीसीसी बढ़िया से फील हुआ आज की नहीं हुआ बता दो यार थैंक यू या, बोलो जी है है ना सही है। आप ऑलरेडी एस सी सी डिस्कस कर लिया है बिल्कुल जैसे हमने एस को डिस्कस किया है वैसे ही अभी हम बी को डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइटम्स देखो एट तो कॉर्नर्स पर होते हैं मैम और एक कहा होता है बॉडी सेंटर पर होता है What is the Z value for BCC? बोलो यार, लिखो BCC के लिए Z value होती है है? है। तो आपके पास कैसे आता क्योंकि पर है, corner पर हैं, हुए का contribution one by eight होता है, और यार बॉडी सेंटर वाला आइटम तो पूरा ही कंट्रीब्यूशन दिखाता है तो आपके पास कितना आ वन प्लस वन विच इज टू ठीक ओके okay. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा दैट इज दी बस इतना ही थोड़ा सा ए आर का रिलेशन भी तो देख ले तो यहां पर नेक्स्ट जो हमें बात करनी है दैट इज दी एर का रिलेशन अब इसमें मेरे को बता दो बोलो भाई इसमें आपके पास ए और आर का रिलेशन कहां से चेक करूं मतलब कि जो मेरे को इस बात का राइट आंसर दे देगा विल बी द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट टुडे क्योंकि आपको क्या बताना है ए आर का रिलेशन एंड आई एम नॉट आस्किंग यू दैट आई एम जस्ट आस्किंग

बस बहुत बढ़िया मजा आ गया मजा आ गया डायगनल लेंगे ओके जी शारिक ने तो मतलब अरे डायगनल ले लो ऐसा आंसर दिया है एक्चुअली <laughs> टीबीएसपी ने कुछ तो लिखा है यहां पर आपके पास देखो क्या सीन होता है मैं आपको इधर लेकर चलती हूं जब हम एस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक प्रिमिटिव यूनिट सेल से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ आते हैं तो एस में जो आपके एटम्स हैं वो अलोंग दी एजेस अलोंग एजेस एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं किसके केस में एस के केस में एटम्स आपके अलोंग एजेस एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं पर बीसीसी के केस में क्या करना होता है यार ये एस वाले अरेंजमेंट में ही तुम्हें बॉडी सेंटर में एक एटम को क्या करना है एटम को एडजस्ट करना है

यहां पर अगर आप देखते हो आपका जो बॉडी सेंटर वाला आइटम है वो इन दोनों आइटम्स को टच कर रहा होगा समझ पाए आप यानी कि इतनी बात तो अच्छा तुम लोग को कंफर्म हो गई होगी यार इतनी बात तो कंफर्म है कि आइटम्स एक दूसरे को अलोंग दी एजेस टच नहीं करेंगे क्योंकि जब आपका एस सी सी से बीसीसी बना तो ये आटम पीछे हो गया ये पीछे हो गया सब पीछे पीछे हो गया क्योंकि बीच में एक आटम को एडजस्ट करना पड़ा जिसकी वजह से अब एजिस एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे अब टच नहीं कर पा रहे यार एजिस तो किधर कर रहे हैं है? हमें तो यार रिलेशन फाइंड आउट करना है तो कहीं तो कर रहे होंगे तो यहां पर आप वापिस से क्यूब बनाओ सबने अपनी नोटबुक में एक एक क्यूब बनाना है क्यूब बना लिया नो मैम आप तो बना लो पहले ये लो बन गया यार है ना अब देखो क्या होता है बीसीसी के अंदर चार आटम्स तो नीचे रखे, रखे हुए रख दो फिर किसी ने नहीं रोका है ना ये लो और एक रखा हुआ है बॉडी सेंटर में इधर इस तरह से अब आपको पता है कि आपके जो ये एजेस वाले आइटम्स हैं यहां पर ये तो आपस में डायरेक्टली टच करते नहीं है ओए होए ये देखो ये तो यार आपस में डायरेक्टली टच करते नहीं, ना ये करते हैं, ना ये करते अगर आप देखते हो एक डायग्नल आप यहां पर एक बॉडी डायगनल ड्रॉ कर दो इस तरीके से तो ये तीन आइटम्स जो होंगे ना ये एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर आइटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं डायरेक्टली टच कर रहे हैं कौन सा थ्री एक तो ये वाला आइटम ये इसको और ये इसको बोलो इतनी बात समझ में ये क्या है दिस इज द डायगनल ऑफ द क्यूब बॉडी डायगनल है ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पास होता हुआ ये जो एक्सिस होगी इसके अलोंग आपके आइटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे होंगे राइट है तो यहां पर आपको एक्जैक्टली exactly यही करना था और इसमें हमारे पास देखो ये मैं एक बॉडी डायग्नल बना देती हूं ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना इसको हम पता है क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड योर बॉडी डायगनल क्या बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर से पास होती हुई जो आपकी ये लाइन है इसको हम बोलते हैं भाई बॉडी डायगनल इन केस ऑफ बीसीसी द एटम्स डायरेक्टली टच ईच अदर एटम्स डायरेक्टली टच ईच अदर अलोंग दी बॉडी डायगनल ठीक है अलोंग दी बॉडी डायगनल आपके आइटम्स जो है एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं बस इतनी सी बात है बोलो जी है ना सिंपल इतना हो गया आप देखिए आपके पास क्या होगा कि अब मेरे को क्या पता यार बॉडी डायगनल कितनी है फॉर एग्जाम्पल ध्यान करो जब हम लोग यार उसकी बात कर रहे थे वो स्क्वायर वाले केस में या फिर क्यूब वाले केस में फिर तो मेरे को पता है कि यार ये जो क्यूब किए वाली जो एज होती है ना इसकी लेंथ ए होती है और यहाँ पर ऐसे ऐसे आइटम पड़ा हुआ तो हमने टू आर बोल दिया था अब इसमें हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें मेरे को तो नहीं पता है ना आई डोंट नो कैसे फाइंड आउट करें इसको तो इसके लिए मेरे को यही नहीं पता बॉडी डायग्नल कितना है यार तो पहला मेरा काम क्या बनता है मेरे को इधर चेक करना है कि बॉडी डायगनल की कितना है है बॉडी की लेंथ कितनी है? मेरे को वो पता चल जाएगा तब मैं ए का रिलेशन बता सकती हूं तो यहाँ पर बॉडी का रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आप क्या करिए यहां पर ये दो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दू ये दो आइटम्स के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूं तो यार पहले तो मेरे को बताओ इसका नाम क्या होगा वट इज दिस इसको बताओ फेस के एक फेस के दो अपोजिट कॉर्नर पर रखे हुए आइटम्स के सेंटर्स को मैंने जॉइन किया इसका नाम क्या है जल्दी बता दो बता ये इसका नाम क्या है व्हाट इज द नेम फॉर दिस कह दो कह दो कह दो हाँ बताने वाले हो तुम बताओ यार मेरे पास तुम्हारा रिप्लाई लेट आता है क्या नहीं मैम हम थोड़ा लेट ही लिखते हैं हाँ वेरी गुड इसको हम कहते हैं फेस डायग्नल इसको हम क्या कहते हैं फेस डायग्नल तो यहां पर आप क्या करोगे ये जो आपके पास आपका फेस डायग्नल है ये जो हमारे पास क्या है फेस डायग्नल है पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखो यार अगर मैं इसको ए बोलती हूँ इसको बी बोलती हूँ और इसको सी तो आपके पास ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है है ना इन ट्राइंगल ए बी सी यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो यूजिंग थ्योरम आप यहां पर पाइथगोरस क्योरम बहुत बचपन में जिसको हम पढ़ते हैं वो आप यूज कर सकते हो ठीक है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास इधर क्या आ जाएगा बोलो भाई क्या आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर वॉट इज मेरा ये बताओ ए बी कितना है यार ये तो साइड ही हो गई ना एज हो गई क्योंकि ये तो वापस से है तो ये प्लस बी सी कितना है ए स्क्वासी का स्क्वा ए सी कितना निकलकर आएगा रूट टू ए दैट इट कितना निकल कर आएगा ए सी रूट टू ए तो फेस डायगनल कितना आ गया फेस डायगनल आपके पास आ चुका है रूट टू ए अब आपके पास देखो ये वाला लेंथ है आपको पता है कि यार ये जो आया है ना मेरा ये कितना है रूट टू ए है ये मेरे पास रूट टू ए है तो अब अगर आप ये वाले ट्राइंगल में देखते हो देखो अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखते हो ये ऐसा और ऐसा तो आपके पास यहां क्या है ए इसको ए नहीं बोलते क्योंकि ए तो हम पहले ही बोल चुके हैं भाई है ना इसको बोल दो डी और इसको बोल दो आप बस ए सी डी ये वाला जो ट्राइंगल एसी इसमें चेक करो अगर आप इन ट्राइंगल ए सी डी चेक करते हो तो आपके पास क्या निकल कर आएगा कि ए सी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर है ना यही तो निकल कर आएगा अब ए सी तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि नहीं कितना आया है रूट टू ए तो ये क्या हो जाएगा रूट टू ए का कैलकुलेट किया अरे तो कैलकुलेट ही नहीं करना दिस इज द द एज ऑफ क्यूब व्हिच इज ए ए अगेन तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर इसको करो कितना आएगा टू ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू सी डी का स्क्र विच इज रूट थ्री ए इज इक्वल टू सी डी ये आ जाएगा यानी कि हमारे पास आपका जो बॉडी डायग्नल आया है वो कितना आ गया देखो फेस डायग्नल हमारे पास कितना आता है फेस डायग्नल आता है रूट टू ए और जो आपका बॉडी डायग्नल है वो कितना निकल कर आता है रूट बोलो जी इतनी बात क्लियर है तो कह दो यस मैम सबको समझ में आया किसी एक को भी दिक्कत तो नहीं है इसमें कि कैसे हमने यहाँ पर बॉडी डायग्नल का वैल्यू फाइंड आउट किया विच इज रूट थ्री ए कितना आया है आपका बॉडी डायग्नल निकलकर रूट थ्री ए अब देखो यार एक तरीका ये भी हो सकता है तो मैं आपको जस्ट बता दूं देखो बॉडी रूट थ्री होता है राइट इज गोइंग टू टू आस्क यू डिराइव दिस बट शायद इस तरीके से आपको इसको ग्राम नहीं करना पड़ेगा या रटना नहीं पड़ेगा अब आपको पता है कि ये कैसे आया इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल थिंग बस ऐसे ही मजे में नहीं बता दिया क्योंकि बस मैम क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है तो हमने इसको रूट थ्री ए बोल दिया है ना ऐसे मैंने आपको नहीं बताया पूरा इसके पीछे हमने बैकग्राउंड समझा किधर से आपके पास बॉडी डायग्नल आपका रूट थ्री निकल कर आता है आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट ठीक ठीक है 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 ना है ना है ना दो यार कि यस मैम बढ़िया से चमक गया एकदम तो भाई आपके पास आपका जो बॉडी डायग्नल है वो निकल कर आया रूट थ्री यार मेरा मन कर रहा है कि ना ये जो अरेंजमेंट है ना इसमें से रूट ये पूरा बॉडी डायग्नल बाहर निकाल के रख लू देखो यहां से बॉडी डायग्नल को जस्ट देखो ध्यान से यहां से मैं निकाल रही हूँ बॉडी डायग्नल और इधर लेकर आ रही हूँ और यहाँ मैंने बाहर निकाल कर रख लिया तो बॉडी डायग्नल को जब मैं बाहर निकाल कर लेकर आई हूँ तो देखो यार मेरे को पता चला कि जो हमारा ये बॉडी डायग्नल है जो कुछ ऐसा है ये मेरा बॉडी डायग्नल है अब इस पर क्या है इधर ऊपर तो एक रेड कलर का आटम रखा हुआ है इस तरीके से ऊपर एक रेड कलर का आटम है फिर आपके पास यहाँ पर ये बॉडी सेंटर वाला आटम है और फिर यहाँ पर नीचे एक ब्लू कलर का आटम था देखो, देखो, ध्यान से देखो, पर ये तो है. और मेरे को ये पता चल चुका है कि हमारा जो बॉडी डायग्नल है उसके पूरे की लेंथ जो है कितनी है रूट थ्री ए है राइट मेरे को पता चल गया पूरा बॉडी डायगनल इज रूट थ्री ए उसके बाद आई ऑल्सो नो दिस कि यहाँ पर मेरे पास जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो कैपिटल आर मतलब इस वाले आपका क्या हो जाएगा कैपिटल आर तो देखो यहाँ ये पूरा तो रूट थ्री ए है और इसमें कितना आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी कि टू आर प्लस टू आर विच इज इक्वल टू फोर आर हो रहा है कि नहीं हो रहा कितना आ रहा है यार इसमें रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर आपके पास निकल कर आ चुका है कह दो कि यम है ना जल्दी से बताओ थ्री आर मतलब कि आपको पूरी की पूरी कहानी आपके आपके आंखों के सामने ऐसी चली कि नहीं पूरा चमका कि नहीं चमका आई एम ट्राइंग टू से पूरी बात आप एब्सॉर्ब कर पाए हैं जितनी मैंने आपको बताई है या कहीं कहीं कुछ कुछ चीज मैम बस पूछो मत ऐसे निकल गए हमारे के, सर के ऊपर तो एकदम ऐसे है ना ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ही बाजू में से स्ट्राइक भी नहीं किया या फिर मतलब बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया बता दो यार जल्दी से बता दो और इसी के साथ क्या आप सब ने मिल्क बढ़िया से सेशन को लाइक किया है कि नहीं किया या फिर ऐसे थोड़ी-थोड़ी कंजूसी भी की भी है अरे नहीं यार मैम हम आपसे रोज पढ़ते हैं तो कंजूसी क्यों करेंगे हमारा दिल तो बहुत बड़ा है ठीक है रूट √3 4 आ रहा हैगा और यहां पर इसका मतलब आपके पास ये वाला जो रिलेशन था ना ये वाला जो रिलेशन है यह आपके पास आ चुका है और यहां पर आप क्या कह सकते हो कि और का रिलेशन पहली बात तो एटम्स अलोंग दी बॉडी डायगनल एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं जहां से आपके पास निकलकर आया कि रूट थ्री इज इक्वल टू फोर आर अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काम क्या आता है एक बार ए आर का रिलेशन आ जाए जेड वैल्यू आ जाए तो उसके बाद हम यार क्या निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी जो किसके इक्वल होता है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए पहले आप क्या करते हो जेड वैल्यू जेड वैल्यू कितनी है टू है उसके बाद हम क्या करते हैं फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ दी एटम एक एटम का वॉल्यूम कितना है परसेंटेज है तो हंड्रेड से डिवाइड आप करते हैं उसके बाद नीचे क्या आता है एक का क्यूब क्या आता है ए क्यूब क्योंकि पूरे के पूरे क्यूब का वॉल्यूम विच इज ए क्यूब यहां पर अब ए क्यूब लिखने से तो कोई फायदा है नहीं हम क्या करते हैं ए की जगह आर का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इज ये आपके पास निकल कर आता है ठीक है तो यहां पर ए मत लिखिए ये एक की जगह ए की जगह आपने क्या लिखना है फोर आर बाय रूट थ्री और उसका क्यूब कर दीजिए दैट इज हाउ यू विल हैव योर पैकिंग जो आपका निकल कर आएगा सिक्सटी एट परसेंट ठीक है

वो आपसे क्या पूछते हैं कि यार आप हमें बीसीसी के केस में ना परसेंटेज वाइड बताइए बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे अगर आपसे कोई परसेंटेज वाइड पूछ ले उसका आंसर क्या लिखोगे और इसी के साथ साथ अब भी हम मिलने जा रहे हैं इन दी स्पेशल क्लास तो रेडी हो जाइए स्पेशल क्लास के लिए भी इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ठीक है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और वैसे कल तुम्हारी छुट्टी है यार मतलब यूट्यूब पर छुट्टी है और बाकी हम शाम को मिलेंगे प्रियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर के लिए फोर्टी टू परसेंट वेरी गुड सबसे पहले किसने बताया पिटोगे तुम सारे सिक्सटी एट परसेंट इज दैकिंग एफिशियंसी सिद्धार्थ टीबीएसपी ने एकदम राइट आंसर दिया रेणुका यश अरे यार देखो आपका जो 68 परसेंट है 68 परसेंट जो आपका ये बीसीसी के लिए निकल कर आया है दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है 68% हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है मतलब परसेंटेज ऑफ पैकिंग है लेकिन परसेंटेज वॉइड का मतलब क्या होता है यार पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या कितनी जगह ऑक्यूपाइड है वॉइड मतलब कितनी जगह खाली है तो ये तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया तो यानी कि 100 में से अगर 68 माइनस कर दे तो जो आपके पास बचा उतनी जगह उतनी परसेंटेज ऑफ जगह आपकी क्या होगी खाली होगी सो दैट इज योर परसेंटेज वॉइड ठीक है वो आपका क्या होता है परसेंटेज वॉइड होता है बोलो यार ये होता है थर्टी टू परसेंट ऐसे अगर आपसे एस सी सी में पूछ ले तो आप क्या कहोगे हंड्रेड माइनस फिफ्टी टू पॉइंट फोर वो जितना भी आता है दैट इज योर परसेंटेज ओके 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 मैम देखो हमें पता था वो हमने जल्दी जल्दी में हम थक गए थे हमने गलत आंसर दे दिया प्लीज वी नो दिस ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना होना को तो? okay. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम बताओ यार बीसीसी के अंदर बीसीसी में अरेंजमेंट ऐसा है वापिस से अगर मैं बना दूं आप लोगों के लिए तो देखो बीसीसी में कुछ ऐसा सीन होता है आपके पास अब आप मेरे को बताओ पहले तो कौन से आइटम को तुम चूज करने वाले हो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए विच एटम विल यू बी गोइंग विद इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें से बताओ कौन सा आइटम चूज करो और एक यार इधर भी होता है बीच में बॉडी सेंटर में बताओ कौन सा आटम चूज किया जाए हाँ, कौन सा आइटम चूज करेंगे बॉडी सेंटर वाला तो यहाँ पर क्योंकि बॉडी सेंटर वाला आइटम कैसा होगा बॉडी सेंटर पर जो आइटम रखा है ना वो सारे के सारे कॉर्नर पर रखा हुए को टच कर रहा होगा. इस इसको भी सबको सब टच कर रहा है ये वाला आइटम तो यहां पर आपके पास इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इस वाले आइटम के लिए दैट इज गोइंग टू बी एट ठीक व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ टाइप ऑफ वर्ड बता दो अब बॉडी सेंटर वाला आइटम के हेल्प से हम करेंगे तो बॉडी सेंटर वाला आइटम डायरेक्टली कितने को टच कर रहा है एट आइटम्स को टच कर रहा है तो यहां पर आप लोगों के पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आया दैट इज एट एंड व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ वॉइड टाइप ऑफ वॉइड क्या है बता दो हमें हाँ नहीं पता मैम देखो मैम हम कुछ कुछ बताएंगे फिर आप डायलॉग मार दोगी क्योंकि हम हाँ गलत बता देंगे स्क्वायर प्लेनर तो होता ही नहीं है प्रवीण जी किसने लिखा है कोई तो है रेशमा नहीं होता ठीक है ऑक्टाहाड्रल वॉय देखो अरेंजमेंट आपके पास कैसा है कुछ ना कुछ तुम्हें यार ये देख के थोड़ा सा ऑक्टाहाड्रल वाली याद नहीं आई तुम लोग को देखो ये देखकर ऑक्टाहाड्रल की याद नहीं आई या आप लोगों को ये नहीं ये देखकर ये वाला ये देखकर ऑक्टाहाड्रोल याद नहीं आया तुम लोग को यहां पर एक्चुअली जो वॉइड बनता है वो बनना तो ऑक्टाहेड्रल ही चाहिए था स्क्वायर प्लेनर व्इड के ऊपर नीचे आटम रख दो तो वॉइड बनता है लेकिन क्योंकि यहां पर सीन क्या होता है कि ये वाला आटम ठीक है ये वाला आटम और ये वाला आटम एक दूसरे को डायरेक्टली टच नहीं कर रहे होते ऐसे ये वाला और ये वाला भी डायरेक्टली टच नहीं कर रहे होंगे तो ऑक्टाहाड्रल में तो क्या होता है जब आपका वो स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है तो आइटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली पर पर तो नी नी। नीचे वाली में टच नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को ठीक है आपस में भी नहीं और ऊपर नीचे भी नहीं तो यहां पर आपके पास बनना तो चाहिए था पर वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता ही नहीं है तो यहां पर जब आप बात करते हो बीसीसी की बीसीसी तो के, के केस में हमारे पास देर इज नो डिफाइंड वॉइड यहां कोई परफेक्टली डिफाइंड वॉइड होता ही नहीं है दी राइट आंसर तो यही बनेगा कि देर इज नो डिफाइंड वॉइड

तो इसीलिए ये क्या बनता है वॉइड बनता है। बताओ यार हम अभी जितना आज की क्लास में क्या फटाफट एक ही स्लाइड में लिख आई मीन ऑल ऑफ इट इन जस्ट वन स्लाइड तो यहां पर हमने आपका डिस्कस किया कि देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम 3D का अरेंजमेंट पढ़ेंगे 3D का अरेंजमेंट पढ़ने के लिए हम 2D को एज बेस लेके चलेंगे टू डी में बेस हमारे पास दो टाइप के थे जिसको आपने SCP कहा, और हमने पहले इसको यूज किया तो यहां पर हमारे पास एक तो एस सी सी निकल कर आया जिसको आप क्या कह रहे हो ए टाइप अरेंजमेंट बोल रहे हो और एक बीसी निकल कर आया जिसको आप क्या बोल रहे हो ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल रहे हो ठीक है ये भी थ्री डी का है और ये भी आपका 3D का है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या कि जब हमने यहाँ पर ये एस को पढ़ा है ना अब मैं दो अलग अलग कैटेगरीज कर लेती हूँ एस और आपका बी तो देखो यार एस और बी में नंबर वन अगर आप डिस्कस करते हो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की कि आपकी एटम्स की पोजीशन क्या होती है क्या एटम्स की पोजीशन एट कॉर्नर पर बोलो यार व्हाट अबाउट बीसीसी साथ साथ इनको दोनों को कंपेयर करते चलते हैं तो अगर हम बीसीसी की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप पोजीशन की बात करते हो तो आपके एट कॉर्नर पर होते हैं और एक बॉडी सेंटर पर होता है इसी के साथ साथ यहां पर अगर आप जेड वैल्यू की बात करते हैं तो जेड वैल्यू कितनी आती है वन इधर आपकी जेड वैल्यू कितनी आती है टू यहां पर आपके पास ए और आर का रिलेशन कहां से आता है एजिज के अलोंग आता है और वो कितना आता है ए इज इक्वल टू टू आर यहां पर आपके पास एजिस का रिलेशन कहां से आता है बॉडी डायग्नल के अलोंग आता है अलॉन्ग दी बॉडी डायग्नल और कितना आता है रूट थ्री इज इक्वल टू फोर आ जाता है यहां पर अगर हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया 52.4 परसेंट और यहां कितना आता है बोलो यार है ना हो गया कितना जल्दी-जल्दी हो गया कि नहीं और सुनो यही वाला जो पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4 और 68 आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे जो आप कल करोगे एफसीसी और एचसीपी दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम टू तो सेम होती है व्हिच इज 74% तो आपको एक्चुअली यही ध्यान रखना है अभी ध्यान से देखो यहां पर तुम्हारे पास जो आपका नेक्स्ट है नेक्स्ट 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 इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा भाई क्या आएगा क्या बच गया मैम कोऑर्डिनेशन नंबर और टाइप ऑफ वॉइड कितना होता है कॉर्डिनेशन नंबर um, है ना और यहां टाइप ऑफ वॉइड होता है क्यूबिकल क्यूबिकल वॉइड और इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टा हेड्रल कह दो कि मैम सब समझ में आ गया फर्स्ट क्लास सब चमक गया है ना बताओ यार तो आज की क्लास में जितनी हमने पढ़ाई की है आपके पास आपका शॉर्ट नोट रेडी है, है तो जब आप सॉलिड स्टेट्स का शॉर्ट नोट या फॉर्मुला तो है ये देखो, ये देखो दो स्लाइड लिखनी है तुम्हें बस आज की क्लास में ये दो बात पढ़ी है हमने दैट ये दो बात पढ़ी है पर इन दो बात को पूरा फील करके हमने पढ़ा हुआ है पढ़ा है आज की क्लास में कहने का मतलब तो वी आर डन विद दिस और अभी हम मिलने जा रहे हैं इन दी स्पेशल क्लास इन दी स्पेशल क्लास फटाफट बात इधर से और स्पेशल क्लास में मिलते हैं ये देखो चैट सेक्शन में लिंक पिन हुआ है यहाँ पर फटाफट से आ जाइए क्योंकि आज की क्लास से कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एट द सेम टाइम आपने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया है तो आई मस्ट टेल यू कि आई uh, मीन I mean, जो ये मैं सेशन की बात कर रही हूं जिसका लिंक आपको दिख रहा है यार वो फ्री सेशंस होते हैं मेरे ही नहीं बाकी भी बहुत सारे एडुकेटर्स के वहां पर आपको फ्री सेशंस मिलते हैं तो आप अपनी होलसम तैयारी करिए कम से कम जिस टॉपिक का साइडर साइड बाय साइड चल रहा है तो उसको लाइव अटेंड करिए अभी तक अगर आपने ऐप आप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए और फिर लिंक के पास जाइएगा और वहां पर वो पहली बार जब आप क्लास देखते हैं तो आपसे कोड पूछते हैं इनवाइट कोड तो आपको डाल देना होता है ए के लाइव और उसके बाद विल बी एबल टू तो एंटर माई क्लास फॉर एब्सोल्यूट फ्री और फिर मजे से उधर हम पढ़ाई करते हैं कल तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट भी हो गया था उधर है ना तो ओए यार मैंने इतना सारा लिखा है पहले से ही लिखा हुआ था अब इसको तुम लोग को क्या करना है यू हैव टू फिल फिल दिस बाय आई मीन ऑन योर ओन इसको अपने आप फिल कर लेना ठीक तो देखो यार मैंने इतनी मेहनत की या अलग से लिखा ये ऑलरेडी लिखा हुआ था हमारे एनी वेज ये देखो कल पढ़ेंगे कल कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तुम लोग को देखने में जो हम कल पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ अभी तक आई एम श्योर आप सब ने करा दिया है प्रोडजी के लिए एनरोल क्योंकि वी हैव योर प्रोडजी टेस्ट ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ ट्वेंटी थर्ड ऑफ जनवरी दस बजे सुबह आपका है जहां पर केवल आप ही नहीं आपके यंगर सिबलिंग्स आपके जूनियर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सबके साथ वैसे भी अब पूरा मजा आता है और अच्छा खासा कंपटीशन रहता है सो डू नॉट मिस टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स योर जूनियर्स योर यंगर सिबलिंग्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेजी टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे वेन है ऑल यू हैव टू डू इज एनरोल यूजिंग कोड ए के लाइव क्या होगा कि आप इसमें एब्सोल्यूट फ्री पार्टिसिपेट कर पाएंगे दिस इज वन ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन यू मस्ट डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दिस क्योंकि यहाँ से आपको एक आपका ए मिलेगा समझ पाएंगे इतने बच्चों में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है एंड अल्टीमेटली इट इज एनी Win -win for you, क्योंकि या तो आप बहुत ग्राफ कर लेंगे घर पर ऐसा जो है प्राइजेस आ रहा हो पर वो तभी आएगा जब आप पहले पार्टिसिपेट करोगे सो डो नॉट मिसी के साथ साथ इस इस दिस इज दूल्ड प्लीज डू टेक ऑफ दिस साथ ही साथ मैं आपका ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर वहां से भी आप चेक कर लीजिएगा और और तो यार बस पार्टिसिपेट करना है तुम लोग को दीज आर द टू बैचेस दैट वी हैव मैं आपको मिलती निश्चय बैच में प्लस बैच मेरा सुबह दस बजे होता है और साथ ही साथ डाउट आप पूछ सकते हो अकेडमी ऐप पर यह मैं आपको बता चुकी हूँ आइकॉनिक के साथ आपको ब्रांडेड नोट्स मिल रहा है मेगा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना नहीं भूलना है हर संडे ही होता है सुबह सुबह ग्यारह बजे यू डोंट हैव टू मिस द कॉम्बैट क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन

जाते हैं फॉर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू लॉक योर ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स जो भी आप टाइम uh, का uh, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अब फिर यहां पर आपको ऐसा क्या दिखता है यूज कोड वहां पर आपको लिखना होता है ए के लाइव क्या होगा कि जितने भी मंथ का आप कोर्स लेने जा रहे हैं आपको एग्जैक्टली exactly उतनी फी पे नहीं करनी है rather व्हाट यू आर सपोस्ड टू डू इज कि आपने लॉक किया कोड लगाया तो आपको ऑटोमेटिकली इधर टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा एंड यू विल बी पेइंग द डिस्काउंटेड अमाउंट बोथ फॉर प्लस एज वेल एज आइकॉनिक इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच भागते हैं इधर से और मिलते हैं इन दी स्पेशल क्लास ठीक है तो स्पेशल क्लास में यू और हो गया टाइम देखो एक दो मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया तो भागते हैं स्पेशल क्लास में मिलते हैं और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थैंक यू वेरी मच गुड लक टेक केयर